वेलकम दोस्तों, मेरे चैनल मेक टेक सुमन पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो टू स्ट्रोक डीजल इंजन है उसके बारे में। तो उसमें क्या देखेंगे हम लोग कि उसका जो इंजन है उसमें कौन कौन सा पार्ट होता है, वो कैसे काम करता है और उसमें कौन कौन सा प्रोसेस होता है। तो टू स्ट्रोक डीजल इंजन, टू स्ट्रोक, स्ट्रोक मतलब क्या होता है ना, पिस्टन का टीडीसी से बीडीसी या फिर बीडीसी से टीडीसी का जो मूवमेंट होता है एक बार का, उसे बोला जाता है स्ट्रोक। मतलब पिस्टन का टीडीसी से बीडीसी, फिर लौट के बीडीसी से टीडीसी, ये हो जाता है दो स्ट्रोक, तो इसको बोला जाएगा टू स्ट्रोक। और डीजल इंजन मतलब इसमें डीजल का इस्तेमाल करेंगे तो ये होगा टू स्ट्रोक डीजल इंजन। तो इसका जो इंजन है इसके पार्ट्स के बारे में देखते हैं। तो पहले एक सिलेंडर रहेगा जिसके अंदर में एक पिस्टन रहेगा, और वही पिस्टन क्या होगा ना, एक कनेक्टिंग रॉड से क्रैंक के साथ कनेक्ट होगा, और जो क्रैंक है वो शाफ्ट के साथ, मेन शाफ्ट जो है उसके साथ जुड़ा रहेगा। और इसमें एक इनलेट पोर्ट रहेगा, एक एग्जॉस्ट पोर्ट रहेगा और एक ट्रांसफर पोर्ट रहेगा। यहाँ पे कोई भी वाल्व का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फोर स्ट्रोक में हम लोग देखे थे कि जो इनलेट पोर्ट है और जो एग्जॉस्ट पोर्ट है उसको ओपन और क्लोज करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक वाल्व और यहाँ पे एक वाल्व लगाते थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी वाल्व का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिर जो इनलेट पोर्ट है, एग्जॉस्ट पोर्ट है और जो ट्रांसफर पोर्ट है, तो फिर इसको ओपन और क्लोज कैसे करेंगे हम लोग ना, जो हमारा पिस्टन है उसको हम लोग मूव करके उसका जो वाल है, जो पोर्ट है उसको पिस्टन का वाल से ढक देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो इनलेट पोर्ट है वहाँ उसका जो ओए है वहाँ पे हम लोग पिस्टन को रख दिए हैं, तो क्या होगा, जो इनलेट से जो चार्ज वगैरह है वो अंदर नहीं आ पाएगा, तो ये इनलेट पोर्ट को पूरी तरीके से क्लोज कर दिया। फिर ठीक ऐसे ही जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो वो क्या करेगा, एग्जॉस्ट पोर्ट को क्लोज कर देगा और जो ट्रांसफर पोर्ट है वो उसको क्लोज कर देगा पिस्टन का वाल से। उस वक्त क्या होगा, जो इनलेट पोर्ट है वो खुल जाएगा क्योंकि यहाँ पे पिस्टन, यहाँ से पिस्टन ऊपर की तरफ हट जाएगा, तो जहां से हट जाएगा वो खुल जाएगा और जहां पे जाके पिस्टन रुक जाएगा वहां पे जो पोर्ट है वो क्लोज हो जाएगा। तो पिस्टन यहाँ पे अपना काम के साथ साथ वाल्व का काम भी करता है। और यहाँ पे ये डीजल इंजन है, डीजल इंजन में हम लोग जो स्पार्क प्लग है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके जगह पे हम लोग एक फ्यूल इंजेक्टर लगा देते हैं जिसमें हम लोग फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। और यहाँ पे जो पिस्टन है इसको एक अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है, जो पिस्टन के ऊपर में डिफ्लेक्टर या फिर हंग की तरह एक चीज होता है, वो क्या करता है ना, जो हमारा चार्ज है उसको यहाँ पे लेके जाता है, या फिर जो एग्जॉस्ट के टाइम पे जो हमारा बांड गैसेस है उसको एक मतलब उसको डिफ्लेक्ट कर सके सकता है। तो ये था टू स्ट्रोक डीजल इंजन का कंस्ट्रक्शन। अब देखेंगे जो स्ट्रोक किसको बोल रहे थे ना, जो टीडीसी और बीडीसी। टीडीसी मतलब क्या है ना, पिस्टन जब एक्सट्रीम टॉप पोजीशन में रहेगा तो जो उसका जो सेंटर लाइन होगा उसको बोला जाता है टॉप डेड सेंटर, जिसे हम टीडीसी से डिनोट करेंगे। और पिस्टन जब एक्सट्रीम बॉटम पोजीशन में रहेगा तो उसका जो पोजीशन होगा उसको बोलेंगे बॉटम डेड सेंटर, जिसे हम बीडीसी से डिनोट करेंगे। तो टीडीसी से बीडीसी का एक मूवमेंट या फिर बीडीसी से टीडीसी का एक मूवमेंट को बोला जाता है स्ट्रोक। मतलब टू स्ट्रोक में क्या होगा ना, टीडीसी से बीडीसी में एक बार जाएगा पिस्टन, फिर बीडीसी से लौट के टीडीसी में आएगा, तो दो स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा। और एक स्ट्रोक में हम लोग क्या जानते हैं कि जो क्रैंक है हमारा वो एक बार रोटेट करता है, वो उसका 180 डिग्री का मूवमेंट होता है, मतलब वो हाफ रोटेट करता है हर एक स्ट्रोक में। तो दो स्ट्रोक में वो 180 × 2 360 डिग्री का रोटेट करेगा, मतलब एक क्रैंक का एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा। जब टू टू स्ट्रोक कंप्लीट होगा, जब टू स्ट्रोक का पूरा साइकिल कंप्लीट होगा तो जो शाफ्ट है वो एक बार 360 डिग्री कंप्लीटली रोटेट करेगा। इसमें कौन कौन सा प्रोसेस होता है, जो फोर स्ट्रोक इंजन में हम लोग देखे थे सक्शन, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट, ये चारों
चारों ऑपरेशन यहाँ पे भी काम करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे दो स्ट्रोक ही है। वहां पे क्या था, फोर स्ट्रोक में ना हर एक स्ट्रोक के लिए, हर एक ऑपरेशन के लिए, सक्शन के लिए, कंप्रेशन के लिए, सब हम लोग अलग अलग सा स्ट्रोक का इस्तेमाल किए थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई अलग अलग से कोई भी स्ट्रोक नहीं होगा। ये जो चार ऑपरेशन है इसको दोनों स्ट्रोक के अंदर में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चार ऑपरेशन अगर दो स्ट्रोक के अंदर में कंप्लीट करेंगे, मतलब हर एक स्ट्रोक में हम लोगों को दो दो ऑपरेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सक्शन कंप्रेशन एक स्ट्रोक में कंप्लीट कर देंगे, और पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट, पावर स्ट्रोक में कंबशन में एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट जो है वो एक स्ट्रोक में कंप्लीट कर देंगे, तो हो जाएगा दो स्ट्रोक में कंप्लीट। इसमें क्या होता है, एक बार इस वीडियो में देख लीजिएगा, ये जो इनलेट वाल्व है यहाँ से फ्रेश एयर, जो फ्रेश एयर है वो अंदर आता है और फिर ट्रांसफर पोर्ट में जाकर रुक जाता है। जब ये ट्रांसफर पोर्ट खुल जाता है तब ये अंदर यहाँ पे कंप्रेशन चेंबर में पहुंच जाता है, और जो हमारा पिस्टन है वो क्या करता है, उसको कंप्रेस करता है, उसमें उसका जो टेम्परेचर है और प्रेशर है वो बढ़ जाता है। उस दौरान हम लोग फ्यूल को इंजेक्ट कर देते हैं तो फ्यूल पूरी तरीके से बर्न हो जाता है। उसमें क्या होता है, एक पावर मिलता है जिसमें सिलेंडर के अंदर में पिस्टन एक्सपांड होकर नीचे की तरफ आता है, तो उसमें वो पावर मिलता है और जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वो खुल जाता है, तो एग्जॉस्ट जो गैस है वो निकल जाता है, और जो नहीं निकलता वो फ्रेश एयर जाके उसको वहां से धक्का मार के निकाल देता है। तो इसको हम डिटेल्स में प्रोसेस वाइज देखेंगे। तो पहले चलते हैं जो सक्शन कंप्रेशन एक साथ में होगा उसमें चलते हैं। तो यह है सक्शन एंड कंप्रेशन। सक्शन एंड कंप्रेशन में जो इनिशियल स्टेज होगा पिस्टन का सिलेंडर के अंदर में वो होगा बीडीसी, मतलब जब सक्शन एंड कंप्रेशन हम लोग चालू करेंगे तब पिस्टन का इनिशियल पोजिशन रहेगा बीडीसी में, और जब सक्शन एंड कंप्रेशन खत्म होगा, कंप्लीट होगा, तब पिस्टन कहाँ पहुंच जाएगा, टॉप डेड सेंटर पे। तो मूवमेंट क्या होगा, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव होगा। इसमें कौन कौन सा पोर्ट ओपन रहेगा, कौन कौन सा पोर्ट क्लोज रहेगा ना, सक्शन एंड कंप्रेशन के दौरान जब पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा तो ये क्या करेगा, एग्जॉस्ट जो पोर्ट है उसको क्लोज कर देगा, ट्रांसफर जो पोर्ट है उसको क्लोज कर देगा, लेकिन जो इनलेट पोर्ट है वो खुला रहेगा, तो उसमें से जो फ्रेश एयर है वो इसके अंदर में एंटर करेगा और यहाँ पे जाके जमा होगा। तो ये तो गया सक्शन। तो कंप्रेशन क्या है ना, जब ये पिस्टन ऊपर की ओर जा रहे हैं तो कंबसन चेम्बर में जो जो एयर था, फ्रेश एयर जो था वो पूरी तरीके से कंप्रेस हो रहा है, क्योंकि उसका वॉल्यूम कम हो रहा है पिस्टन ऊपर की तरफ जाने से। उसका वॉल्यूम कम होने से उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसमें उसका कंप्रेशन हो रहा है। तो ये था सक्शन एंड कंप्रेशन। ये यहाँ पे क्या होगा ना, जो फ्यूल है वो इंजेक्ट करना चालू करेगा। यहाँ तक सक्शन एंड कंप्रेशन का काम था। तो ये वीडियो से हम लोग देख सकते हैं, जो इनलेट पोर्ट है वो खुल जाता है, वहां से फ्रेश एयर आता है, आके यहाँ पे जाके ट्रांसफर पोर्ट में जाके जमा होता है, और जो पहले से जो कंबशन चेम्बर में जो फ्रेश एयर था उसको पिस्टन ले जाके क्या कर रहा है, पिस्टन ले जाके उसको कंप्रेस कर रहा है। कंप्रेस करने से उसका जो प्रेशर एंड टेम्परेचर है वो बढ़ जा रहा है और वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, और उसी टाइम पे हम लोग फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल को इंजेक्ट कर रहे हैं। तो इसके नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो होता है जो उसका एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम को हम लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस जो एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट है। तो ये था एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट। इसमें क्या होता है, जो पिस्टन है उसका इनिशियल पोजीशन कहाँ रहेगा, टीडीसी में, क्योंकि कंप्रेशन और सक्शन में हम लोग पिस्टन को लेके चले गए थे टॉप डेड सेंटर पे, तो उसके बाद चालू हो रहा है एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट। तो उसी उसी दौरान जो हमारा पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर पे रह जाएगा, तो टॉप डेड सेंटर पे उसका इनिशियल पोजीशन हो जाएगा, लेकिन उसको हम लेके जाना कहाँ चाहते हैं, वो है बॉटम डेड सेंटर। तो उसका फाइनल पोजीशन क्या होगा, बॉटम डेड सेंटर पे। तो मूवमेंट क्या है ना, टीडीसी से
बीडीसी का मूवमेंट होगा। एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट में पिस्टन का मूवमेंट होता है टीडीसी से बीडीसी तक। इसमें कौन कौन सा पोर्ट जो है वो खुला रहता है और कौन कौन सा पोर्ट है जो बंद रहता है। तो इसमें जो जो हमारा इनलेट पोर्ट है वो बंद रहता है, जो ट्रांसफर पोर्ट है वो खुला रहता है, जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वो भी खुला रहता है। अब ये काम कैसे करता है देखते हैं। जब हम लोग कंप्रेशन किए थे, कंप्रेशन और सक्शन किए थे, तब क्या हुआ था ना, वो जो फ्रेश एयर था उसको कंप्रेस कर दिया था, कंप्रेस करके टॉप डेड सेंटर पे ले गया था और उसका टेम्परेचर एंड जो प्रेशर था वो बढ़ गया था, वॉल्यूम कम हो गया था। उसी दौरान हम लोग फ्यूल को इंजेक्ट कर रहे थे। फ्यूल को इंजेक्ट करने से क्या होगा, वो कम्बसन हो जाएगा, उसमें आग लग जाएगा। आग लगने से क्या होगा, वो एक पावर प्रोवाइड करेगा सिलेंडर को, तो सिलेंडर एक्सपांड हो जाएगा, सिलेंडर टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करने लगेगा। सिलेंडर टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करने लगेगा, मूव करने से लगेगा तो क्या हो जाएगा, जो एग्जॉस्ट जो पोर्ट है वो खुल जाएगा, जो ट्रांसफर पोर्ट है वो खुल जाएगा और जो इनलेट पोर्ट था वो बंद हो जाएगा। तो बंद हो जाएगा तो यहाँ से जो चार्ज था, फ्रेश चार्ज एयर था, वो कंबसन चेम्बर में इंटर करेगा। और एग्जॉस्ट पोर्ट खुला होने से क्या होगा, जो बांड गैसेस हैं वो यहाँ से निकलना चालू हो जाएगा। जो बचे हुए जो बांड गैस यहाँ पे कंबसन चेम्बर में रहेगा, फ्रेश एयर जाके उसको धक्का मार के यहाँ से एग्जॉस्ट पोर्ट से निकाल देगा। तो ये था एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट प्रोसेस। इसमें इसको अगर वीडियो से देखेंगे तो देखिएगा, यहाँ पे कंप्रेशन के बाद फ्यूल को इंजेक्ट किए थे तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर हाई होने से उसमें आग लग गया था और वो जो पिस्टन है उसको पावर दिया था, वो टीडीसी से बीडीसी की ओर एक्सपेंस हुआ था उसका, और जो एग्जॉस्ट पोर्ट था वो खुल गया था, वहां से धुआं जो है जो बांड गैस है वो निकल गया था, और जो ट्रांसफर पोर्ट था वो खुल गया था, यहाँ से फ्रेश चार्ज यहाँ पे एंटर किया था कम्बसन चेम्बर में, और जो बचा हुआ एग्जॉस्ट गैस था उसको धक्का मार के यहाँ से एग्जॉस्ट से निकाल लिया था, और जो इनलेट था वो बंद हो जा रहा था। अब इसको पीवी डायग्राम में पूरा प्रोसेस को, जो सक्शन कंप्रेशन एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट है उसको देखेंगे तो कैसा होगा। यहाँ पे पीवी डायग्राम में जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है यह है बीडीसी और सबसे ऊपर में है टीडीसी। तो पहले क्या हुआ था, कंप्रेशन एंड सक्शन, तो ये इसमें कंप्रेशन एंड सक्शन हुआ था ये लाइन पे। तो जो सक्शन हुआ था वो कंप्रेशन के टाइम में ही हुआ था, और कंप्रेशन क्या हुआ, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है ये। इसमें जो प्रेशर है एंड टेम्परेचर है वो बढ़ रहा था और जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो रहा था, तो ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। उसके बाद जब जो जो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ था वो फ्यूल को इंजेक्ट कर दिया था तो उसमें हीट एडिशन हुआ था, तो यहाँ है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। उसके बाद हमारा पिस्टन का एक्सपांशन हुआ था, जो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है, एक्सपांशन के दौरान ही हम लोगों का एग्जॉस्ट हुआ था, और एग्जॉस्ट होने से क्या हुआ, हीट हमारा रिजेक्शन हुआ था, तो यहाँ से जो है वो होगा हीट रिजेक्शन प्रोसेस। और इसमें क्या होगा ना, यहाँ पे जो कार्ब दिख रहा है, यहाँ पे हमारा जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वो ओपन हुआ था, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफर पोर्ट जो है वो ओपन हुआ था, फिर यहाँ जाके ट्रांसफर पोर्ट हमारा बंद हो गया था, और यहाँ पे जाके जो एग्जॉस्ट पोर्ट था वो भी बंद हो गया था, और कंप्रेशन के दौरान यहाँ पे हमारा जो इनलेट वाल्व था वो ओपन हो गया था, और कंप्रेशन में का लास्ट में जाके जो हमारा फ्यूल इंजेक्टर था वो इग्नाइट करना चालू कर दिया था, फ्यूल हमारा जो सिलेंडर में आना चालू हो गया था। फिर वहां से हमारा
हमारा हीट एडिशन हुआ था, फिर जब एक्सपांशन चालू हुआ था, एक्सपांशन के चालू होने के ठीक कुछ देर बाद ही इनलेट पोर्ट जो है वो बंद हो जाता है। ऐसे ही हमारा जो साइकिल है वो चलते रहता है। तो ये था टू स्ट्रोक डीजल इंजन। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो मेकटेक सुमन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।